एश पिकाचू का जिगेंटमैक्स फैक्टर हम सभी पोकेमॉन फैंस की काफी ज्यादा उम्मीद थी। जब सबसे पहले हम लोग को पिकाचू का जिगेंटमैक्स फैक्टर दिखाया गया था, वी वर लाइक ब्रो ये एक चीज है जिसको पिकाचू को मास्टर करना चाहिए एंड इवेंचुअली पिकाचू बहुत बीस्ट हो जाएगा। हमें लगा था इसका बहुत कुछ होगा, बट हुआ क्या? कुछ भी नहीं। जी हाँ, हमें शायद से एक ही बार देखने वाला पिकाचू का जिगेंटमैक्स फैक्टर, इफ आई एम राइट, या दो बार, उसके बाद पता नहीं उसका हुआ क्या। पिकाचू अभी जिगेंटमैक्स कर सकता है कि नहीं? वैसे तो कर सकता होगा, बट एश केचम अब क्यों यूज नहीं करता, इसके पीछे का रीजन जो मुझे लगता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब जिगेंटमैक्स पिकाचू अपीयर हुआ था वो पोकेमॉन का एपिसोड इफ आई रिमेंबर 13 था, द क्लाइम टू बी द वेरी बेस्ट, ये टाइटल था जहाँ पे एश पिकाचू दिखाया गया था हमें जिगेंटमैक्स फैक्टर में। बट यार तुम्हें पता होगा उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो पिट गया था। बट स्टिल यार हमें लगा था कि इसको मास्टर करना चाहिए पिकाचू को एंड बाद में चल के स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट? बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एश ने उल्टा कभी पिकाचू को अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो जिगेंटमैक्स कर पाए एंड प्रोबेबली इस कारण हम लोग को कभी उसका फैक्टर देखने नहीं मिला दोबारा। बट ऐसे काफी सारे मोमेंट्स हुए हैं जहाँ पे एश केचम यूज कर सकता था, लाइक एपिसोड 82 जहाँ पे द स्वीट टेस्ट ऑफ बैटल करके एक अनऑफिशियल मैच हुआ था एश का जिम लीडर के साथ, जहाँ पे उसने अपने एल्क्रेमी को जिगेंटमैक्स कर लिया था। वहाँ पे भी वो चाहता तो पिकाचू को जिगेंटमैक्स कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। एश के पास एक अनदर चांस है जिगेंटमैक्स करने का पिकाचू को वेडॉन स्टेडियम के अंदर मास्टर एट टूर्नामेंट के अंदर, बट स्टिल उसने नहीं किया। तुम्हें पता होगा कि एश केचम अलाउड है सिर्फ तीन में से एक ही चीज यूज कर सकता है, या तो मेगा, या तो जी, या तो डायनामिक्स। वो तीनों चीजें एक बैटल के अंदर यूज नहीं कर सकता, इसलिए एश केचम के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन रहता है कि वो क्या ऑप्ट करे, मेगा इवॉल्व कर ले अपने लुकारियो को या फिर एक पिकाचू का जिगेंटमैक्स करे जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इट्स ऑब्वियस कि एश केचम लुकारियो के साथ जाएगा, राइट? करंटली लुकारियो एश की टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो कि पिकाचू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट जैसे कि अपने चार्जार्ड थे, ग्रेंजर थे एश के प्रीवियस टीम के अंदर, सिमिलरली वो स्पेस अब अपने एश की लुकारियो ने ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट? एश की इस एज जर्नी के अंदर मेगा एवोल्यूशन बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, लाइक जिगेंटमैक्स को तो पूछ भी नहीं रहे यार। इवन एश ने चूज किया अपने गेंगर को डायनामिक्स करने का, बट उसने अपने पिकाचू को नहीं किया। टेक्निकली वो कोई भी पोकेमॉन को डायनामिक्स कर सकता है अपने टीम के, सब जिगेंटमैक्स नहीं हो सकता हमें पता है, लेकिन डायनामिक्स तो हो सकता है, बट स्टिल वो डायनामिक्स नहीं करता एंड उसने गेंगर को डायनामिक्स किया पिकाचू को जिगेंटमैक्स करने के बजाय। इट मीन्स वो अपने गेंगर के जिगेंटमैक्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। वी ऑल नो कि पोकेमॉन को डायनामिक्स एंड जिगेंटमैक्स करने से काफी फायदा है, क्योंकि उससे हमें सेकेंडरी इफेक्ट देखने मिलता है। कुछ ऐसे पोकेमॉन मूव्स होते हैं जो कि जिगेंटमैक्स होने के बाद सेकेंडरी इफेक्ट दिए जाते हैं, जैसे कि अगर मान लो तुम्हारा स्लज बॉम्ब है तो वो जब जिगेंटमैक्स होगा तो वो कुछ अलग हो जाता है, जी मैक्स समथिंग, एंड वो फिर एक सेकेंडरी इफेक्ट देगा तुम्हारे अपोनेंट पोकेमॉन को पॉइजन करके, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास काफी ज्यादा एडवांटेज रहेगा। अगर पिकाचू ने कोई नया टाइप का मूव सीखा होता लाइक सर्फ ग्रास नॉट जो कि वो सीख सकता है, तो शायद जब एश केचम उसको भी जिगेंटमैक्स करता देन वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता था, लाइक वो जी मैक्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप मूव यूज़ कर सकता था या फिर जी मैक्स का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप भी, बट उसने ऐसा नहीं किया। एश अपने मेगा वॉल्व करने लुकारियो को ज़्यादा पसंद करता है जिगेंटमैक्स करना गेंगार को, बट स्टिल यार वो पिकाचू को नहीं करता। मुझे लगता है कि एश केचम को पिकाचू के साथ जी मूव यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे वो जी मूव यूज़ करता है 10,000 वोल्ट थंडरबोल्ट, जो कि ऐसा कहा जाता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड तुमने देख लिया था भाई स्टीवन के बैटल के अंदर स्टीवन का क्या कर दिया था एश केचम ने। जब तक एश केचम के पास उसका मेगा एवोल्यूशन है एंड उसके पास एक प्रॉपर जी मूव यूजर है एंड अपेरेंटली पिकाचू के लिए उसके पास जी मूव रिंग भी है, तो वो क्यों ही पिकाचू को जिगेंटमैक्स करके अपना टाइम वेस्ट करे जब वो उसको जी मूव देके और ज्यादा बढ़िया तरीके से खेल सकता है। अब फनी थिंग इज कि एक फनी थिंग तुम लोग को देखने मिल सकता है कि जब भी कोई पोकेमॉन को जिगेंटमैक्स किया जाता है ना, आई नो कि ये पिकाचू के साथ नहीं होता, बट स्टिल ये काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि जब तुम किसी पोकेमॉन को जिगेंटमैक्स करते हो तब इवेंचुअली वो तुम्हारे पोकेबॉल में आता है, उसके बाद बड़ा होता है। तो मे बी अगर फ्यूचर में कभी इसको तमीज़ से दिखाया जाए तो एश केचम पिकाचू को पोकेबॉल में ले उसके बाद जिगेंटमैक्स करे, तो हमें एक सीन भी देखने मिल सकता है जहाँ पे पिकाचू पोकेबॉल के अंदर जाएगा। लेकिन मुझे देखने में हंसी आ गई थी भाई, जिगेंटमैक्स पिकाचू अपने मूव्स यूज़ नहीं कर पा रहा था जिगेंटमैक्स चार्जार्ड के खिलाफ। आई नो पिकाचू उस समय इनएक्सपीरियंस था, लेकिन उस पोकेमॉन से अपना वेट संभाला नहीं जा रहा था, इतना ठूस ठूस के मोटा हो गया भाई पिकाचू, इसका कोई करवाओ यार कुछ। वो बंदे अटैक भी यूज नहीं कर पा रहा था, जिगेंटमैक्स चार्जार्ड उसको टॉस करके ऊपर से नीचे थपका रहा था। मुझे स्टिल लगता है कि एश केचम फ्यूचर में जब लियोन के खिलाफ बैटल करेगा तो उसको जिगेंटमैक्स करने के बजाय वो उसका 10 मिलियन वोल्ट यूज करना ज्यादा प्रेफर करेगा। एंड तुम्हें पता है कि जिगेंटमैक्स पिकाचू के पास एक सिग्नेचर मूव भी होता है जो कि प्रिटी यूजफुल मूव है, जी मैक्स वोल्ट क्रैश इफ आई रिमेंबर, एंड वो हैवी इलेक्ट्रिक टाइप डैमेज दे सकता है अपने पोकेमॉन को एंड गारंटी होती है कि वो पैरालाइज कर देगा। तो अगर ये पोकेमॉन मूव को अच्छे तरीके से एश केचम यूज करे तो पिकाचू
भाई इवेंचुअली चार्जार्ड को बहुत डैमेज देगा, क्योंकि चार्जार्ड बी के पिकाचू से बीइंग अ फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन, एंड अगर वो बाद में पैरालाइज भी हो जाएगा तो भाई ऐश का सोने में सुहागा, भाई मजा आ जाए उसको। कंसीडरिंग दिस फैक्ट, मुझे लगता है कि ऐश का इलेक्ट्रिक माउस टाइप पोकेमॉन पिकाचू कॉम्पिटिटिव बैटल्स के लिए एकदम मक्खन है। अगर ऐश के जब उसको तमीज से यूज करें ना, तो कसम से वो कोई बैटल को जीत सकता, बट नहीं भाई, ऐश को तो अपने लुकारियों को मेक इवॉल्व करना है। गधा कहीं का जैसा भी सीन चल रहा है, मुझे लगता है ऐश कभी भी अपने उसको कभी भी दोबारा मौका मिलेगा जिगेंटामैक्स करने का पिकाचू को। हाउएवर हम ऐसे देख सकते हैं मास्टर एट टूर्नामेंट के अंदर, जहाँ पे वो प्रोबेबली मेगा लुकारियों पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है और जिगेंटामैक्स गेंगार पे सारे चैंपियंस को हराने के लिए, बट मुझे लगता है कि जब इमरजेंसी पड़ेगी तो शायद से पिकाचू भाई कुछ चलवा दिखा सकते। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पोकेमॉन जर्नी का एंड मोस्ट प्रोबेबली लुकारियो और गेंगार को प्रोफेसर के पास रख के होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन ऐश की टीम के करंटली स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, एंड जब भी ऐश के जब कोई दूसरे रीजन में जाएगा तो ही प्रोबेबली वॉन्ट यूज डायनामैक्स एनीमोर, क्योंकि डायनामैक्स सिर्फ गलार रीजन के अंदर ही हो सकता है, तो वो क्या ही करेगा गेंगार का, राइट? इफ दैट हैपेंस देन जिगेंटामैक्स पिकाचू हमें कभी भी दोबारा देखने नहीं मिलेगा, एंड ये पुरानी याद बन के रह जाएगा। तो एटलीस्ट ऐश के जब अभी एक मौका है जहां पे वो पिकाचू को जिगेंटामैक्स यूज कर सकता है, तो गधा करता क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आता। बाद में तो हमें देखने मिलेगा भी नहीं यार जिगेंटामैक्स पिकाचू, कम ऑन पोकेमॉन एनीमे, दिस इज द ओनली टाइम, इसके बाद हम कभी देख पाएंगे। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड यही कुछ रीजन थे जो कि मुझे लगता है कि ऐश पिकाचू क्यों नहीं यूज करता जिगेंटामैक्स पर्पस के लिए। वो अपने जी मूव्स में ज्यादा रिलाई करता है एंड उस पर ज्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है जी मूव्स ज्यादा उसको बेनिफिट दे सकता है जिगेंटामैक्स से इन केस ऑफ पिकाचू, क्योंकि पिकाचू को जी मूव से ज्यादा फैमिलियर है, ज़्यादा अच्छे तरीके से पिकाचू उसको अडैप्ट कर चुका है, एंड अलोला रीजन में उसने जी मूव ही चलाया, तो इवेंचुअली ऐश के पिकाचू को जी मूव चलाना ज़्यादा अच्छे से आता है एज कम्पेयर टू जिगेंटामैक्स मूव्स, राइट? तो मुझे लगता है यही रीजन है, एंड अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। इस चैनल पर लोग यार पोकेमॉन रिलेटेड बातें करते रहते हैं, तो अगर तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है पोकेमॉन का, तो मैं हूं ना यार, करेंगे साथ बात। तो या लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन लेट मी इन द कमेंट बॉक्स तुम्हारी क्या ओपिनियन है। पीस आउट। आउच माइक में लग गया।